गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट, चल रही है हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, देखो ये हमारा टॉपिक चल रहा है। टॉपिक है संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या। संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। देखो हमने संकुल यौगिकों के अंदर रंगों की व्याख्या के अंदर से पहले की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने इसके अंदर देखा था कि जो भी संकुल यौगिक होते हैं उनके अंदर रंगों की व्याख्या कैसे करते हैं। अर्थात कोई भी संकुल यौगिक होता है उसका कोई परमाणु अणु या आयन, किसी भी यौगिक का परमाणु अणु या आयन जिसके अंदर की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उसका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के अंदर चला जाता है। अर्थात दृश्य प्रकाश की जो ऊर्जा होती है या दृश्य प्रकाश होता है उसको वो अवशोषित करता है। जब दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसके दौरान वह पदार्थ होता है वो रंग प्रदर्शित करता है। सामान्यतः संक्रमण धातु आयनों की हम बात करते हैं तो संक्रमण धातु आयनों के अंदर, इनके अंदर यौगिकों की जो रंगों की जो व्याख्या होती है वो हम CFT के आधार पर करते हैं, और CFT के आधार पर हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक होता है DD ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नंबर एक होता है DD ट्रांजिशन और दूसरा होता है नंबर एक DD ट्रांजिशन और नंबर दो होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो अब हम नंबर एक की बात करेंगे, DD ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, नंबर एक की चर्चा करेंगे हम, DD ट्रांजिशन। देखो इसके अंदर कोई भी संकुल यौगिक होता है, DD ट्रांजिशन के अंदर जो हम अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं वो जब उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसके दौरान वह दृश्य प्रकाश के क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिसके दौरान वह निम्न ऊर्जा के T2g, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों के अंदर पाए जाते हैं। जब निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो दृश्य प्रकाश का क्षेत्र का अवशोषण करते हैं, तो वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का जो ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के अंदर अर्थात EG के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब वो EG के अंदर स्थानांतरित होते हैं तो उसके दौरान वो जो यौगिक होते हैं या फिर वो जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कहें T2g कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो डेल्टा ओ या CFSE की जितनी जो एनर्जी होती है, जो कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की जो CFSE की जो एनर्जी होती है, या डेल्टा ओ जो विपाटन ऊर्जा अर्थात
T2g और Eg कक्षकों के मध्य की जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, और वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है CFSE उतनी एनर्जी या फिर डेल्टा ओ की जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं T2g से Eg के अंदर स्थानांतरित होते हैं। जब वो T2g से Eg के अंदर स्थानांतरित होते हैं तो उसके दौरान वो जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं TiH2O का हॉल 6, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर TiH2O6-2 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है, इसको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो हम DD ट्रांजिशन के अंदर ये कह सकते हैं, इसके अंदर जो DD ट्रांजिशन पाया जाता है तो इसके अंदर कि अष्टपलकीय संकुल यौगिकों में धातु आयनों के जो डी कक्षक होते हैं वो निम्न ऊर्जा के T2g अष्टपलकीय अष्टपलकीय संकुल यौगिकों में या अष्टपलकीय संकुल यौगिक या फिर ये कहें अष्टपलकीय संकुल यौगिकों में धातु आयनों के अष्टपलकीय संकुल यौगिकों में धातु आयन के डी कक्षक जो धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं T2g तथा Eg धातु आयन के डी कक्षक निम्न ऊर्जा के T2g तथा उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2g तथा उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं अर्थात इसके अंदर जो T2g कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण T2g कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होने के कारण ये दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके ऊर्जा का या दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके अर्थात ये कह सकते हैं डेल्टा ओ या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी
सीएफएसी की जितनी ऊर्जा का या फिर सीएफएसी की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का या सीएफएसी के बराबर ऊर्जा का ऊर्जा का अवशोषण करके T2G से EG EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसे अर्थात T2G कक्षक से EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या फिर जिसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिससे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण रंगी यौगिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं या फिर रंग प्रदर्शित करते हैं या रंगीन दिखाई देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अर्थात यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं TiH2O का हॉल 6 -3 जो संकुल यौगिक होता है वो बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या CFT के आधार पर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल TiH2O 6+3 संकुल यौगिक बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। जिसकी व्याख्या CFT के आधार पर की जा सकती है। कैसे? देखो, हम TiH2O6+3 संकुल यौगिक की बात करते हैं तो देखो TiH2O6 जो संकुल यौगिक होता है उसके बारे में यदि हम देखें तो देखो TiH2O6+3 यहाँ जो टाइटेनियम होता है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 पाया जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम सब ये जानते हैं कि जो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो उसके दौरान इनमें विपाटन होता है, अर्थात समान दो भागों के समुच्चयों के अंदर विपाटित हो जाते हैं। जब समान दो भागों के समुच्चयों के अंदर विपाटित होते हैं तो देखो यहाँ ये जो कक्षक होते हैं इस प्रकार से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांच कक्षक होते हैं। इनमें जब ये जो कक्षक होते हैं वो इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं, इन लिगेंड्स के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान ये इन लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। जब इनके मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है तो उसके दौरान ये समान दो भागों के अंदर या समान दो भागों के समुच्चयों के अंदर विपाटित हो जाते हैं। इनके अंदर जो एक समुच्चय होता है वो निम्नतम ऊर्जा का होता है और दूसरा समुच्चय होता है वो उच्चतम ऊर्जा का होता है, अर्थात समान ऊर्जा के दो समुच्चयों के अंदर जब ये विपाटित होते हैं, सॉरी अलग अलग ऊर्जा के जो दो समुच्चयों के अंदर जब ये विपाटित होते हैं, देखो इनका जो विपाटन होता है इस प्रकार से पाया जाता है, जब ये विपाटित होते हैं तो इस प्रकार से विपाटित होते हैं, ठीक है। एक जो निम्न ऊर्जा का जो कक्षक पाया जाता है उसे हम T2G कहते हैं और उच्च ऊर्जा का जो कक्षक पाया जाता है उसे हम EG कहते हैं, ठीक है। इन कक्षकों के अंदर तीन ऑर्बिटल पाए जाते हैं इस कक्षक के अंदर, अर्थात तीन कक्षक पाए जाते हैं, DXY, DYZ और DXZ, और जबकि इसके अंदर दो कक्षक पाए जाते हैं वो होता है DX2, Y2 और DZ2। ये यहाँ जो DX2, Y2 और DZ2 जो कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा अधिक होती है, वो क्यों होती है? अष्टपलकीय संकुल यौगिकों के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु की जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान DX2, Y2 और DZ2 दो कक्षक होते हैं वो लिगेंड के विचलन की दिशा की ओर होते हैं। जब ये कक्षक दो कक्षक लिगेंड के विचलन की दिशा की ओर होते हैं तो उसके दौरान इन दो कक्षकों के अंदर और लिगेंड के अंदर लिगेंड के जो कक्षक होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक पाए जाते हैं। जब ये विचलन की दिशा की ओर होते हैं तो प्रतिकर्षण जब इनके अंदर अधिक पाए जाते हैं तो इनकी जो ऊर्जा का मान होता है अर्थात इनमें स्प्लिटिंग भी क्या होती है, विपाटन भी क्या होता है, अधिक पाए जाते हैं। जब इनमें विपाटन अधिक पाया जाता है तो इनकी जो ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। इनकी ऊर्जा का मान अधिक होता है। इनके अंदर हम सब ये जानते हैं T2G और EG कक्षकों के मध्य उपस्थित जो ऊर्जा होती है इनके मध्य T2G और EG कक्षकों की ऊर्जा होती है इनमें उपस्थित जो T2G और EG कक्षकों की जो ऊर्जा होती है इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है T2G EG कक्षकों की ऊर्जा का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे हम डेल्टा O से डिनोटेड करते हैं, ठीक है, या फिर tan dQ से हम डिनोटेड करते हैं, ठीक है। इसे हम इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, दोनों के मध्य ऊर्जा की ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इनकी ऊर्जा अंतराल कहलाता है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि TiH2O6 के अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ पर आता है, T2G के अंदर आता है। जब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G के अंदर आता है तो उसके दौरान यहाँ यदि वो इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसके अंदर प्रकाश की अनुपस्थिति, इसके अंदर ये कह सकते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाएगा प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो रहेगा T2G, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं T2G1 और EG0, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब
जब प्रकाश दिया जाता है इनको, जब दृश्य प्रकाश दिया जाता है तो उसके दौरान दृश्य प्रकाश के कारण, देखो जब इनको दृश्य प्रकाश दिया जाता है, कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। जब दृश्य प्रकाश दिया जाता है तो उसके दौरान, अर्थात 500 एंगस्ट्रॉम का या 500 नैनोमीटर के 500 एंगस्ट्रॉम के जितना इनको दृश्य प्रकाश दिया जाता है, जब इनको 500 एंगस्ट्रॉम के जितना दृश्य प्रकाश दिया जाता है तो उसके दौरान ये जो इसके अंदर T2g कक्षकों के अंदर उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो दृश्य प्रकाश का या CFSE या डेल्टा O की के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके T2g से Eg के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसके अंदर प्रकाश की उपस्थिति में, हम ये कह सकते हैं इसके अंदर ये जो कक्षक होते हैं, तीन कक्षक T2g और दो कक्षक क्या होते हैं? Eg होते हैं। Eg के होते हैं ये T2g के और दूसरे ये Eg के, ठीक है। अर्थात इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की जितनी ऊर्जा का अवशोषण करके T2g से Eg के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? डेल्टा, डेल्टा ओ, ठीक है। हम ये कह सकते हैं यहाँ प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, T2g 0 और Eg 1। और इस कारण से दृश्य प्रकाश की जितनी ऊर्जा का ये अवशोषण करके वो T2g से Eg के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण ये रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम इसके अंदर हमने देखा है कि TiH2O6 होता है उसकी जो प्रकाश की उपस्थिति में जो इसका किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके कारण ये T2g से कहाँ स्थानांतरित हो जाता है? Eg के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर TiH2O6 होता है उसके अंदर जो टाइटेनियम होता है उसका +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, अर्थात +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर TiH2O6 +2 में +2 संकुल यौगिक में टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास3d1 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 3d1 पाया जाता है। तथा इसके अंदर T2g कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो डेल्टा ओ या CFSE के बराबर ऊर्जा दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से अवशोषित करके दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से अवशोषित करके
टीटू जी से ईजी में स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं T2G से EG के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे DD ट्रांजिशन कहते हैं, इसे DD ट्रांजिशन कहते हैं। जिसके कारण संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित करता है या संकुल यौगिक बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह हमने देखा है जो TiH2O जो 6 संकुल यौगिक होता है वो किस प्रकार से रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। मोस्ट इम्पोर्ट मतलब ये कहें कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर एग्जाम के अंदर हर साल करीबन हर साल ये क्वेश्चन होता है, वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा है, मोस्ट एग्जाम्पल होता है ये TiH2O6+3 होता है जो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।